हर एक जिद्दी बच्चे की तरह होता है, इसको होना होता है और हो जाता है। दुनिया में प्यार को जिंदा रखने का क्रेडिट एक खास तरह के लोगों को जाता है, जिनको हम ट्रू रोमांटिक्स कहते हैं। ये लोग प्यार के लिए कुछ भी करने में शर्माते नहीं है, ना अपने प्यार के लिए ना दूसरों के प्यार के लिए। अब आप मुझे ही देख लीजिए, इतने सारे लोगों के लव स्टोरीज और मैं ये आके क्या कर रहा हूं। सॉरी, प्यार में वो एक पेट में अजीब वाली फीलिंग आती है ना, मेरे को उससे भी ज्यादा अजीब वाली फीलिंग आ रही है इस वक्त। ये दिल का मामला नहीं है, पेट का मामला है, डेफिनेटली डायरिया है। लेकिन प्यार डायरिया से कहीं ज्यादा डेंजरस है। डायरिया आपको कम से कम एक जगह पे ले जाता है और बिठा के रखता है, प्यार तो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, टॉयलेट में भी और बीच रात बोर्डिंग स्कूल के टेरेस पे ठंड में कांपते हुए भी। ए, गर्ल्स हॉस्टल है ये, बॉयज नॉट अलाउड, चलो यहां से, चलो चलो। अबे फ्रेशर, तेरा नाम बोल। विक्की। और तेरा नाम? डुगु। ध्रुव, हाय। तुम तो मेरा नाम जानते ही होंगे। सर कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। अरे मोंटी, बिजली पैदा करने गया, बड़ा बुलाने गया, जल्दी ले आ। चलो खड़े हो तीनों। अब बताओ तुम मेरा नाम। हेमंत सर। अच्छा हेमंत सर, कलपुरी कॉलेज सीनियर के सामने मेरा नाम बुला रहे थे, हेमंत है? और कल तुम फिर मुझे अबे हेमंत ऐसे करके बुलाओगे तो? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली ना बहुत सारे सीनियर्स को देख लिया ना, हम थोड़े घबरा गए इसलिए हेमंत निकल गया। अच्छा बेटा, घबराओगे तो तुम अभी हा? अभी घबराओगे तुम सर? हाँ हा? क्या बात मस्त। टेडी, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? नाइस वन यार हेमंत। अच्छा सर, हेमंत सर। हाँ हेमंत सर। अरे हाँ, मेरा एक छोटा सा पर्सनल काम है। वो गर्ल्स हॉस्टल की समीक्षा को जानते हो? हाँ हाँ सर, उसे कौन नहीं जानता। अच्छा अबे तू कैसे जानता है? सर अभी तो आपने बताया था। हाँ समीक्षा, हाँ माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? हाँ कह दी उसने। अच्छा तू बड़ा इंटरेस्ट दे रहा उसको? नहीं नहीं सॉरी सर। हाँ सुना, कल समीक्षा का प्रोजेक्ट सबमिशन है, उसके गुड लक के लिए ना ये तुम्हें देखे आना पड़ेगा उसको। गर्ल्स हॉस्टल में? हाँ सर ये जाएगा ना, बॉयज नॉट अलाउड है पर ये ऑफकोर्स जाएगा है ना? ये नहीं जाएगा, तुम तीनों जाओगे। तीनों? हाँ तीनों। पर कैसे? मैं बताता हूँ। ध्रुव अगर जुबान पे थोड़ी लगाम रख पाता तो इसके लाइफ के आधे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते। उसने अपनी बकबक की वजह से कितनी बार मार खाई थी, लेकिन ध्रुव जब बोलता था दिल खोल कर बोलता था, और जो भी अंदर था वो सब बाहर निकाल देता था। ओह थैंक गॉड। गर्ल्स हॉस्टल के गार्ड का नाम पहलवान सिंह है। वो हमारी हड्डी पसली एक नहीं कर सकता क्योंकि उसकी खुद की हड्डी पसली ही एक है। रात को वो अपना सेशन करके सो जाता है। अगर हम इसका फायदा उठा पाए तो हम अंदर घुस पाएंगे। अंदर घुसने के बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे जा पहुंचेंगे, वही हमारा टारगेट है। चल भाई चढ़ जा, प्लान में ये तो नहीं था कि सेकंड फ्लोर पे चढ़ना है। अबे सेकंड फ्लोर पे चढ़ जा, ये तो हेमंत टॉप फ्लोर के ऊपर पहुंचा देगा। ले मैं नहीं छोड़ू। अरे डरपोक, डर गया? दुगी
इसको बता दे असली मर्द कौन होता है। डुग्गी, अबे इधर आ। सीढ़ी लाओ। अरे क्या चल रहा है यार, क्या कर रहा है यार? मेरे को चला रहा। नहीं 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 नहीं, मैं जो चल 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 चल। अरे चल रहा है यार, क्या कर रहा है यार? अरे आ जी आ जाओ। मैं जो क्या कर रहा है यार? एक बार मैं सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर पे पहुंच गया ना, तो खिड़की तो मुझे खुद ब खुद मिल ही जाएगी, ठीक है? अच्छा सुन, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कुछ खाने को जा रहे हैं, तुझे कुछ चाहिए? अबे पागल हो गया क्या, कहाँ जा रहे हो? पहरा लगाओ, और अगर कोई आ रहा है ना तो उल्लू की आवाज निकालना। उल्लू की आवाज निकालनी तो आती है ना? हाँ, ऐसे उल्लू। अबे ये कौन सी आवाज हुई? आवाज ऐसी होती है? क्वैक 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 क्वैक। अबे ये कौन सी उल्लू की आवाज हुई? उल्लू की आवाज ऐसे होती है, ऐसी आवाज होती है, समझे? लेडीज टॉयलेट है ना? एनीवेज, किसी और की लव स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए वो गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया और फिर मैट्रन के डर से वो टॉयलेट में चुप गया। ऐसी चीजें कर पाने के लिए ट्रू रोमांटिक होने की जरूरत है। लाइफ में इन ट्रू रोमांटिक्स की ही सबसे ज्यादा लगती है, पर मजा भी सबसे ज्यादा उन्हीं को आता है, लेकिन लगती भी सबसे ज्यादा उन्हीं की। दो मिनट वेट नहीं कर सकती, अब चल चल चल, लेट हो रहा है। डिस्कस्टिंग पीपल यार, कोई काम ध्यान से नहीं करने देते। दो मिनट का वेट नहीं है, सब्र नहीं होता इनसे। बच गया। हनुमान जी बचा लो प्लीज, हनुमान जी बचा लो, हनुमान जी बचा लो। हेलो।
हाय। तू लड़का है? हाँ। तू यहाँ गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। बॉयज हॉस्टल से है क्या? हाँ। तू कंप्लेंट करेगी? शायद। तू कंप्लेंट करेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं कंप्लेंट करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर मैं भी कंप्लेंट नहीं करूंगी। लेकिन मैं क्यों कंप्लेंट करूंगा? तू छुप रही है ना? मैं नहीं, तो मैं क्यों छुपूंगी? पॉइंट। एक मिनट, तेरे पास ये टेडी बेयर क्यों है? नहीं, एक्चुअली ये मेरा टेडी बेयर नहीं है, वो एक्चुअली ना मैं तेरे हॉस्टल में एक लड़की, वो लड़की का क्या नाम था? विशी। नहीं नहीं, उसका नाम विशी नहीं, उसका नाम, मेरा नाम विशाखा है। मेरा नाम ध्रुव है, वो एक्चुअली मैं मेरे सीनियर का पार्सल तेरे हॉस्टल की समीक्षा के लिए लाया था। लेकिन हेमंत का टेडी बेयर वो खुद क्यों नहीं दे सकता मार्केट में इंसानों की तरह? अरे वो उसे सरप्राइज करना चाहता है, और ठीक है ना यार, ऐसी चीजें करनी चाहिए कभी कभी। वाओ, लड़कियों का टॉयलेट मैं हमेशा से देखना चाहता था, कितना साफ है यार। तुम्हारे उधर ये लड़कों की तरह नहीं होता है वो। सॉरी सॉरी, तुम लोग को थोड़ी जरूरत होती है उसकी। अरे ओ, तूने क्या कुरियर सर्विस खोल के रखी है? अरे कुरियर सर्विस नहीं, पर लड़कियों के लिए तो ऐसी स्वीट स्वीट चीजें करनी चाहिए ना। अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, तो मैं तो उसके लिए क्या क्या नहीं करता। उसकी खिड़की के नीचे खड़े होके अपनी छाती टार्जन की तरह पीट कर उसका नाम चिल्लाता और बोलता, मांजा मांजा मांजा। मांजा क्यों? वो तुझसे क्यों परेशान होगी? देख मुझे, कौन परेशान नहीं होगा मुझसे। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? शक्ल तो देख अपनी। प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया इसलिए पंख मार रहे हो? आज रात 12 बजे तक अगर प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तुम्हें, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को भी सस्पेंड कर दूंगी। नाउ गेट लॉस्ट। अबे दिन में कौन सा उल्लू बोलते है? मुझे बकरी की आवाज आती है। ये बकरी की नहीं है, भैंस की आवाज है। अबे देख क्यों आ रहा है? मेट्रन गई लेकिन वापिस आई, मैं जा रही हूँ। देख फिशी, मुझे पता है तू बहुत अच्छी लड़की है, पर तू मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएगी। तू तेरा देख। प्लीज मेरी हेल्प कर दे, जिंदगी भर तेरा फैन बन के रहूंगा। प्लीज फिशी। ना 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 ना। ब्लेस यू विशी। एक्चुअली उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी, वो तो पहली बार कॉलेज बंक करके चुप रही थी। लेकिन कितना स्वीट था यार ध्रुव, इरिटेटिंग था लेकिन कितना स्वीट था, लेकिन इरिटेटिंग तो था ही। अच्छा सुन, यहाँ इस वक्त इस फ्लोर पर सिर्फ मेट्रन होती है, जिससे यहाँ आने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। अगर तू इन 10 मिनटों में बाहर निकल पाया तो बच जाएगा। सुन, हमें बहुत ही चालाकी से निकलना होगा बिना कोई भी आवाज की। तू सुसू कर रहा है? हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है तो दमा जाग रही तू गद्दा। क्यों, क्या हो गया? तू मेरे सामने खड़े रहकर सुसू कर रहा है? सामने थोड़ी खड़ा हो, हमारे बीच में है ना ये दीवार। तूने टॉयलेट की सीट तो ऊपर की ना?
हाँ हाँ उठी हुई है। मैं यहाँ तुझे निकालने का प्लान बोल रही और तू मेरे बगल में कड़ी लेकर सुसु कर रहे है। हाँ तो ऐसे क्या कर दिया यार मैंने? जी गंदा टॉयलेट पे तो खड़े ना, इन्हीं चीजों के लिए तो बना जाता है टॉयलेट। और तू कुछ कह रही थी क्या? मैं ये कह रही थी कि हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी जल्दी चल 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 चल। अबे रुक, हाथ तो धोने पहले गंदे। इधर कुछ खाने को मिलेगा? मेरी सिक्स सेंस कभी भी गलत नहीं होती है। लगता है हॉस्टल के अंदर कोई घुसाया है। घुसाया? कौन मैडम मिस? पता है आज कौन सा दिन है? हाँ पता है। कौन सा? कौन सा? आज लड़कियों के प्रोजेक्ट सबमिशन का दिन है। और प्रोजेक्ट सबमिशन के दिन लड़कियों को जो बाहर से हेल्प मिलती है, प्रोजेक्ट स्मगलिंग जिसे कहते हैं, प्रोजेक्ट को बाहर से खरीदना और हॉस्टल के अंदर स्मगल करके ले आना, तुम समझ रहे हो ना? नहीं नहीं हाँ हाँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। या तो हॉस्टल के अंदर कोई है या आने वाला है, और आज सबमिशन के दिन हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। मेरी सिक्स सेंस कभी भी गलत नहीं होती। वैसे आज मेरा बर्थडे है। सिक्स सेंस फ्रेंड आउट आउट। देख इस टाइम हॉस्टल में कोई नहीं होगा, सब लोग कॉलेज में हो। हाँ तो प्लीज कैंटीन चले जा, मेरे लिए एक सैंडविच ले विदाउट चीज, बहुत भूख लगी है। अरे कैंटीन बंद होगी, और तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मुझे भी मरवाएगा क्या? मरवाएगा मतलब तू भी छुप रही थी ना? मैं बताना बताना तो? बताना क्यों छुप रही थी तो? बताना प्लीज बताना। अरे आज प्रोजेक्ट बता दो, आज प्रोजेक्ट सबमिशन डे है और मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। तो तू इतने दिन से क्या कर रही थी? तू तो क्रिकेट भी नहीं खेलती होगी। अरे मैंने बनाया था, मार्केट ले गई थी लैमिनेशन करवाने, किसी ने चोरी कर लिया। अबे ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई किसी का प्रोजेक्ट कैसे चुरा सकता है? कुत्ता बनाते नहीं हो दूसरे का प्रोजेक्ट चुरा लेते? देख ले जिसने चुराया उसे कॉप लगी, उसे कॉप। हाँ चिल करना, चिल्ला मत, कुछ नहीं हुआ। मैंने बैटरी से चलने वाला फैन भी बनाया था, बनाना जरूरी नहीं था लेकिन मैंने तो भी बनाया था, सोचा था एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूंगी, लेकिन कितना प्यारा फैन था मेरा, पता है छोटा सा येलो कलर का फैन था। मैंने कितनी मेहनत से बनाया था और कितना अच्छा लगा। अबे ओ पागल, अब क्या क्या होता? अरे ऐसे कैसे कोई कर सकता है? मेरा प्रोजेक्ट कैसे चुराता? खुद तो मेहनत करते नहीं, दूसरों के चुरा लेते, कमजोर कहीं के। मेरा प्रोजेक्ट, इसने भी मेरा प्रोजेक्ट चुराया।
अच्छी गर्लफ्रेंड जैसा कुछ नहीं होता, अच्छी गर्लफ्रेंड जैसा कुछ नहीं होता, सबकी सब क्रैक होती है। पुनम्मा क्या हुआ? अच्छा कल लड़कियों ने तेरा मजाक उड़ाया था, इस बात पे नाराज है ना? और ये सर से पांव तक ढके हुए क्यों है? ठंड लग रही है क्या? ओ पुनम्मा क्या हुआ, कुछ बोलना। मैम हॉस्टल में कोई घुसा है मैम, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए मैम। है ना, मेरी सिक्स सेंस कभी भी गलत नहीं होती। उधर उधर ऊपर है। हाँ बाल बाल बचे यार। हाँ यार वैसे तो बड़ा हॉट लगता है, रेड में एकदम करी ना। चुप कर, कुछ भी बोल रही है। हाँ तो यार ये कमरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओ फिश मर गए। ऐसे क्यों बोल रही है यार? अरे मेट्रन के रूम में घुसाए हैं। क्या बेवकूफ, तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो। क्या खबर है? खबर ये है मैडम, वो जो अपना खीम बहादुर थापा है ना, उसके अब बच्चा होने वाला है। Shut up! आज किसी ना किसी की गर्दन तो कटनी ही है मेरे हाथों, क्योंकि अगर मुझे वो स्टूडेंट नहीं मिले जो हॉस्टल में सबमिशन डे पे छिप रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी गर्दन से काम चलाना पड़ेगा। नाउ गेट लॉस्ट। ओके मैडम। मैं थकी हुई हूं, गर्मी भी बहुत है, मैं थोड़ा आराम ही कर लेती हूं। सुन। हाँ थैंक्स। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? वो देख। हाँ तो लड़कियों के इनर सूख रहे। कितने भिकमंगे होते हो ना तुम लड़के, डेस्पो। चल वो टीचर कौन है जिसका प्रोजेक्ट तूने नहीं किया, जिसके से बग मार रही है? अरे प्रगति का। ब्रैग्स। हाँ तो? वो तो हमें भी पढ़ाती है, तूने उसका प्रोजेक्ट नहीं किया? हाँ। तो बड़ा बहाना सोच ले। ब्रैग्स हालत खराब कर देती है, पिछले महीने उसने मुझसे ओम सुबह पूछा था, अब मुझे कहाँ से आता था? तो मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं आता, तो उसने मुझे बोला 50 पार लिख किया, अब मुझे लगा मजाक कर रही है। तो फिर तूने नहीं लिखा? पूरी क्लास के सामने नील डाउन करवा के 100 बार लिखाया। 100 बार?
अब तो मैं गई, तो अब तो तुझे याद हो गया होगा ना हमसे। So long as the physical state of the conductor remains the same, the potential difference applied on the two ends of the conductor by the constant ratio to the electric current passing through it. Applied on the two ends नहीं, applied across the two ends. हाँ वही। 100 बार लिखने के बाद भी तुझे गलत याद है? तो 100 बार गलत ही लिखा होगा ना? अच्छा चल, तुझे समीक्षा का डॉम पता है ना? नहीं यार, वही तो ढूंढ रहे। चल। Feelings वाली। तू तो पूरा लड़की है। लड़कियों को बहुत पसंद है ये सब। अच्छा, पिछले हफ्ते में तेरे कॉलेज की लड़की को मिला था। हाँ, टोटल फ्लैट हो गई थी वो मेरे पे। तू तो उसको जानती होगी ना? प्रेरणा, प्रेरणा समथिंग उसका नाम था, पता है? मैं तो हॉस्टल में 7 प्रेरणाओं को जानती हूँ। और फाइनल ईयर में? अच्छा हाँ, तू उसे मार्केट में मिला था? हाँ हाँ, मैं फ्रेश लाइम सोडा पी रहा था, वो मेरे पास आई और उसने पूछा कि ये कहाँ से लिया, तो मैंने उसे दुकान दिखा दी। बस? नहीं, फिर हमने बहुत बातें की, क्यूट क्यूट वाली। उसे तो मैं बहुत क्यूट लगा, तू जानती है ना उसे? जानती भी होंगी तो प्लीज यार मेरी सेटिंग करवा दे। वैसे भी तेरे साथ तो मेरा कोई चांस नहीं लग रहा, उसके साथ मेरा टोटल चांस है। प्लीज हटे, मुझे किसी की सेटिंग वेटिंग नहीं करवानी। तू तेरा देख, और वैसे भी वो प्रेरणा तुझे सूट नहीं करेगी। अरे क्यों नहीं करेगी सूट मुझे? अरे थोड़ा सा तो जान गई हूँ ना तुझे, मैं कह रही हूँ ना नहीं सूट करेगी। क्यों लेकिन बता तो। अगर हम लोग यहाँ ऐसी गप्पे लड़ाते रहे ना, तो मेटर आ जाएगी पकड़ लेगी। चल अभी मौका है, चल चल। ऋषि पहना दिखती तो अच्छी, तो मुझे सूट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसे वैसे टाइप के लड़के पसंद, ऐसे ऐसे टाइप के नहीं। ऐसे ऐसे? अच्छा तो एक बात बता, तुझे पसंद है ऐसा ऐसा टाइप का लड़का? तो सीधे सीधे बोलना, प्रेरणा का पत्ता क्यों काटने में तुली? के साथ विक्की और दुग्गी। किसी दिन को दुग्गी से मिलाऊंगा, बहुत मस्त आदमी। दुग्गी अब किसी से भी नहीं मिलेगा। क्यों? चुप लीजिए। ओ फिश। बात तो करेक्ट है तेरी। ओ फिश। अरे यार लग गई, ये बात तो मेरे पेरेंट्स तक जाएगी। और बन रोमांटिक हीरो दूसरों की लाइफ के लिए। तब एक बार विशी ने सोचा भी इसे छोड़कर भाग जाएगी, पर नहीं गई। पता नहीं क्यों, कौन था ये लड़का, क्यों इतनी बड़ी रिस्क ले रही थी उसके लिए। मैंने कहा था ना, लव डायरिया से भी काफी डेंजरस होता है। ओह गॉड, ओह यार हम लोग हमेशा इसी पोजीशन में क्यों होते हैं? मेरी कोई गलती नहीं है मैडम, मुझे फंसाया गया, आप चाहे मेरी मम्मी से पूछ लो। तुम्हें पता है ये चोट मुझे कैसे आई? कल रात में बड़ी लेट सोई थी, थकी हुई थी। बीच रात जब मैं उठी, तब मैंने देखा एक गुलाबी टेडी बियर मेरी आंखों में देख रहा था। मैं चीखी, इतनी डरावनी चीज शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने पूरे कमरे में छान मारा, पर वो गुलाबी टेडी बियर मुझे कहीं नहीं दिखा। लेकिन आज फिर मैंने उस गुलाबी राक्षस को देखा, मेरे ही कमरे में, मेरे बेड के नीचे देखा।
उसी के चक्कर में मुझे ये चोट आई है। वैसे तुम दोनों में से आइडिया किसका था? मेरा नहीं था। जिसका भी था वेल डन। मैं दो मिनट के लिए वाकई समझ बैठी थी कि वो गुलाबी राक्षस मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहा है। मैम आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? कहती सबसे तो तुझे कहना था। बोल, बोलता क्यों नहीं है? बोल, बोल। क्या बोल? विशि, ये सब क्या हो रहा है? मैम, ये लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोल ना। क्या क्या बोलूं? अभी तो तू मुझे बोल रहा था कि तुझे मुझसे कुछ कहना है। कहना, बोल। हैप्पी? हाँ, हैप्पी, हाँ, हैप्पी, हाँ। विकी तुकी, शर्मा मत, बोलो ना, हैप्पी न्यू ईयर, बर्थडे। क्या? नहीं मैम। नहीं नहीं मैम, हम आपको हैप्पी टीचर्स डे विश करने आए हैं, हैप्पी टीचर्स डे। अरे, पर मैं आप लोगों की टीचर नहीं, मैटर हूँ ना? तो क्या हुआ मैम, मैटर के टीचर से कम होती है क्या? आप हॉस्टल में हर लड़की को पाल पोस के बड़ा करते हो और सारा क्रेडिट टीचर ले जाए। नहीं नहीं मैम, मेरी ना एक बहन भी थी। थी? मेरा मतलब है, मेरी बहन है, उसने आपसे बहुत कुछ सीखा और बदले में मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसने मुझे बोला कि आप इस हॉस्टल के सब कुछ हो, इसलिए मैम हम आपको हैप्पी टीचर्स डे विश करने आ गए। शर्मा मत, शर्मा मत। तो मैम हमने आपके लिए गाना भी बनाया मैम, हम गाते हैप्पी 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 न्यू ईयर टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। बस बस, जाओ इनको बाहर तक छोड़ के आओ। चलो विशी। ठीक है जी, चलो चलो आ जाओ। शक बेशक है चा हैप्पी टीचर्स डे। बस बस, कितनी प्यारी बात मेरे लिए किसी ने नहीं की। देखो विश, सीखो कुछ इनसे, कितने प्यारे लड़के हैं ये। मैम ये तो विशी का ही आइडिया था, हम तो आपको पोस्टकार्ड भेजने वाले थे, बट विशी ने बोला साक्षात दर्शन करना मेट्रेन के और उन्हें असली में बोल देना हैप्पी टीचर से। विशी का आइडिया था? ओ विशी। मैडम जी, ये सब लोग हॉस्टल में घुस आए हैं। पता है मुझे, लेकिन एक काम के लिए आए थे। अगली बार से ग्रीटिंग कार्ड ही भेजना, ठीक है? Because this is girls hostel ना, boys are not allowed। जाओ, इनको बाहर तक छोड़ के आओ। चलो विशी। ठीक है जी, चलो, चलो। आ जाओ विशी। शक बेशक है चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस। True romantics मॉनसून की तरह होते हैं, आप नहीं समझे? थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। ध्रुव चला गया पर विशि के दिल में कुछ छोड़ गया और वो विशि और अपनी लव स्टोरी को खत्म किए बिना ही चला गया। लेकिन ध्रुव के जाने के बाद भी विशि सिर्फ उसके ही थॉट्स में खोई हुई थी। हाउ स्वीट।
अरे विशि चल 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 जल्दी चल, वो जो रीमा है ना उसने ना बहुत मार खाई है आज प्रैक्स की, उसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था, चल ना जल्दी, उसका किसी ने वीडियो भी बनाया, आजा चल जल्दी चल। कल मेरा भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होगा, कल प्रैक्स मेरी भी धुलाई करेगी, मेरा भी वीडियो बनेगा। चली जाना रूम 42 में, मुझे भी दिखा देना वीडियो। तू यहाँ कैसे आया? वैसे ही जैसे पहले आया था। हाँ, तेरा ही। ये मेरा प्रोजेक्ट? थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले पता होता तो दो और ऐसे ले आता। चीपो? याद है तूने मुझे बोला था येलो कलर का फैन? मेरे हॉस्टल के किसी आदमी ने तेरा प्रोजेक्ट चोरी कर लिया, तो मैंने उससे चोरी कर लिया। अच्छा एक काम करना, अपना फोन दिखाना प्लीज, कुछ चेक करना। नंबर चाहिए तो सीधे सीधे बोलना। तेरा नहीं, प्रेरणा का चाहिए था। जल रही है तू। चले मेरी जीती। सच्ची में प्रेरणा का नंबर ढूंढ रहा था। पहले मेरे बाहर जाने का इंतजाम कर, फिर बताऊंगा। क्यों? मैंने कितने ठीक कर लिया तुझे हॉस्टल से अंदर बाहर करने का? अकेले जा। अकेले ही जाना होता तो आता ही क्यों? अच्छा सुनना, मेरे साथ मार्केट में स्लशी खाने आएगी? प्रेरणा को लेके जाने। विशी सुनना, एक बार पीछे देख ले प्लीज। प्लीज विशी। क्या है? तू कितना चीजी है तू। चीजी? किसी लड़के ने ऐसी चीज की है तेरे लिए कभी? कुछ लड़के ना होते ही स्पेशल। अच्छा तू तो कह रहा था कि 100 वर्ड्स की पोयम लिखेगा और सब। हाँ वो मैं लिखने ही वाला, लिखती थी मैंने, बस हॉस्टल में भूल आया मैं, वो नेक्स्ट टाइम पक्का ले आऊंगा। अच्छा तो फिर चले पोयम लेने बॉयज हॉस्टल। ये लीजिए डायरिया की गोली। थैंक यू। मैंने कहा था ट्रू रोमांटिक्स मॉनसून्स की तरह होते हैं, जाने के बाद एक बार जरूर वापस आते। वैसे लव कभी भी टाइम देखकर नहीं होता, जगह देखकर नहीं होता। लव की कोई गोली नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई वजह नहीं, कोई जरूरत नहीं, लेकिन होता है तो हम सबको होता है। वैसे सबको होता है ऐसा नहीं है। उस टेडी बेयर को समीक्षा के रूम में देखकर मेजरन को डोरा पड़ गया, और जब समीक्षा को पता चला वो हेमंत ने भेजा, तो उसने दोबारा मिलने से मना कर दिया। लेकिन ध्रुव और विशि की स्टोरी तो शुरू हो गई भाई। विशि की सिर्फ एक शर्त थी कि उन्हें मिलकर बात करने की जगह टॉयलेट से मार्केट शिफ्ट करनी पड़ेगी। अरे ये डायरिया रोकने की दवाई है ना? नहीं, ये तो डायरिया की दवाई है।